हेलो दोस्तों, मैं संजय कुमार गुप्ता, इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों देखिए, इस रिमोट में प्रॉब्लम यह है कि ये रिमोट काम नहीं करता है, लेकिन देखिए मैं आपको दिखाता हूँ इसका बटन को दबाकर। तो देखिए यहाँ पर जो है रेड एलईडी जो आपको दिख रहा है ये जल रहा है। देखिए मैं दबाता हूँ तो देखिए, कोई बटन दबाता हूँ तो यहाँ का एलईडी जलता है। जब रिमोट का कोई भी बटन आप दबाते हैं और यहाँ का एलईडी जलता है, इसका मतलब ये होता है ना कि रिमोट का जो है बैटरी वो बिल्कुल सही है। जैसे इसे दबाएंगे और ये एलईडी जल गया, इसका मतलब है कि रिमोट का बैटरी बिल्कुल सही है। ये आप मत समझिएगा कि रिमोट भी सही होगा आपका इस एलईडी के जलने से। तो ये रिमोट काम नहीं कर रहा है। इस एलईडी का जलने का मतलब ये होता है कि आपका बैटरी बिल्कुल सही है, पहला तो ये है। दूसरा है कि रिमोट में कौन कौन सा बटन काम कर रहा है वो आपको इस एलईडी से पता चल जाता है। लेकिन इस एलईडी का जलने का मतलब ये नहीं होता है कि आपका रिमोट बिल्कुल सही काम करेगा। तो मैं इस रिमोट को पूरी तरह से खोल लेता हूँ, खोलने के बाद आपको दिखाता हूँ। गर्मियों का मौसम बस आ ही गया दोस्तों, यानी एसी, कूलर्स और इन अप्लायंसेस को सपोर्ट करता हुआ घर का इन्वर्टर प्लस बैटरीज, अब इन्हीं चीज़ों की डिमांड हाई होगी मार्केट में। तो मेरे चैनल पे जो भी रिटेलर्स और डीलर्स भाई, उनके लिए है स्पेशल मैसेज। एनर्जी और इलेक्ट्रिकल का सबसे बड़ा मार्केट प्लेस अब आपके हाथों में, लॉग द डील ऐप। इस पे आपकी दुकान के लिए सारे प्रोडक्ट्स जैसे इन्वर्टर्स, बैटरी, इलेक्ट्रिकल के अप्लायंसेस और भी बहुत कुछ, बड़े ब्रांड्स वो भी एक ही छत के नीचे मिलेंगे, जैसे एक्साइट, ल्यूमिनस, लीफ फास्ट, एमरॉन और भी। और दोस्तों लीफ फास्ट ब्रांड ने लॉन्च किया है एक नई रेंज का HKVA इन्वर्टर्स, जो घर और कमर्शियल सेगमेंट के लिए सुटेबल है। ये इन्वर्टर आपके घर या शॉप के सारे हैवी अप्लायंसेस का लोड उठा लेगा, जैसे AC, कूलर, ओवन, प्रिंटर, फ्रिज और भी। तो आप पहले ही स्टॉक करके रख लीजिए, क्योंकि इनकी डिमांड तो बढ़ेगी मार्केट में। किसी भी जानकारी के लिए, डील्स, ऑफर्स, डिस्काउंट्स, सीधा व्हाट्सअप कर सकते हैं। नंबर ये रहा स्क्रीन पे, 9319098038। लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, अभी डाउनलोड कीजिए। देखिए मैंने इस रिमोट को पूरी तरह से खोल दिए हैं, अब मैं आपको दिखाता हूँ इसमें प्रॉब्लम कहाँ से है और उसे कैसे ठीक करना है, ये भी मैं आपको बताऊँगा। देखिए इस रिमोट में प्रॉब्लम यहाँ से है। ये जो आप LED देख रहे हैं ना, ये रिमोट में जो ये वाला LED लगा हुआ है, ये LED नहीं है, ये एक तरह का रिमोट सेंसर है। तो यही वाला प्रॉब्लम कर रहा है। देखिए ये इस तरह से हिल रहा है, इस तरह से जब इसमें लगा हुआ रिमोट में रहता है ना, तो बच्चे लोग क्या करते हैं, इसे हिलाते रहते हैं, उसे मज़ा आता है इस तरह से हिलाने में। तो इस तरह से जब उसे हिलाते रहते हैं इस सेंसर को ना, तो क्या होता है, देखिए यहाँ पर देखिए प्रिंट टूट चुका है। देखिए यहाँ पर जो सोल्डर किया गया, यहाँ पर प्रिंट टूट चुका है। मैं आपको सामने से दिखाने की कोशिश करता हूँ तो आपको समझ में आएगा। देखिए आपको दिखा रहा हूँ सामने से, यहाँ का प्रिंट टूट चुका है, जो ये सेंसर का जो ये लेग वाला जो है ना प्रिंट, देखिए ये टूट चुका है ना, टूटा हुआ है ना इस तरफ, अब देखिए टूटा हुआ है। तो यही प्रॉब्लम है इसका, देखिए यहाँ पर जो है ना प्रिंट टूटा हुआ है। तो क्या करना है वो मैं अब आपको बताता हूँ। इसके लिए करना ये है कि जहाँ पर प्रिंट टूटा है उसके बगल में जो आपको ग्रीन कलर में दिख रहा है, मैं आपको दिखाता हूँ, वहाँ पर क्या करना है, ब्लेड से या चाकू से अच्छी तरह से खुरच के वो ग्रीन वाला जो पेंट है ना, उसे साफ़ कर देना। ठीक है, देखिए मैं इसे रगड़ कर साफ़ करता हूँ इस तरह से, इसी तरह से आपको साफ़ कर लेना है। जब आप यहाँ पर अच्छी तरह से ब्लेड से रगड़ कर या चाकू से रगड़ कर साफ़ कर लेते हैं, तो उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर अच्छी तरह से सोल्डर लगा देना है और इस लेग को उस सोल्डर के साथ मिला देना। इसी तरह से आपको क्या करना है, इस तरफ भी कर लेना है, क्योंकि इस सेंसर को हिलाया डुलाया गया था इसलिए इधर भी कुछ ना कुछ तो डिस्टर्ब हो ही गया होगा। तो इधर भी उसी तरह से मिला लीजिएगा तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो इधर भी खुरच करके क्या करना है, दोनों तरफ सोल्डर लगा देना अच्छी तरह से, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, दोनों तरफ यहाँ पर और यहाँ पर अच्छी तरह से सोल्डर लगा देता हूँ। लगाने के बाद आपको दिखाता हूँ तो आपको समझ में आएगा कि मैंने इसमें किस तरह से काम किए हैं। तो मैं आपको सोल्डर लगाने के बाद आपको दिखाता हूँ। देखिए मैंने इसमें सोल्डर अच्छी तरह से लगा दिए हैं, देख लीजिए, इसी तरह से आपको सोल्डर लगा देना है। अब मैं क्या करता हूँ, इस रिमोट को अच्छी तरह से फिट कर लेता हूँ। फिट करने के बाद आपको दिखाता हूँ कि ये काम करता है या नहीं। देखिए मैंने इस रिमोट को अच्छी तरह से फिट कर दिए हैं,
अब मैं आपको दिखाता हूँ इसे चेक करके। तो इसके लिए देखिए मैंने ये मोबाइल लिया हूँ और इसका कैमरा ऑन कर दिया हूँ। अब मैं इसके बटन को दबाता हूँ, रिमोट के बटन को। तो देखिए इसमें ये सेंसर जलता हुआ दिखेगा, देखिए जल रहा ना, इसका मतलब है कि ये बिल्कुल सही काम कर रहा है, देखिए जल रहा है। तो इसी तरह से आप अपने रिमोट को बना सकते हैं, ये समझ लीजिए कि आपने फ्री में रिमोट बनाया। दोस्तों आपसे मेरा एक सवाल है कि आप मुझे बता सकते हैं कि रिमोट कंट्रोल में जो बैटरी लगता है उसमें से एक बैटरी कितने वोल्ट का होता है? अगर आप मुझे बता सकते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।